और प्रयागराज से खबर है, गैंगस्टर बच्चा पासी के बहन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के सिंबल पर रीना ने ये बड़ी जीत दर्ज की। आपको बता दें कि रीना बच्चा पासी जो गैंगस्टर है उनकी बहन है। बहन की जीत के बाद गैंगस्टर बच्चा पासी ने विजय जुलूस निकाला। लग्जरी गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला गया सड़कों पर, जिसके चलते जाम लग गया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गुर्गा है गैंगस्टर बच्चा पासी। आपको बता दें जिला प्रशासन की विजय जुलूस निकालने पर रोक का गैंगस्टर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर बच्चा पासी को माफिया घोषित कर रखा है। 2 साल पहले गैंगस्टर बच्चा पासी के आलिशान मकान को बुलडोजर से भी गिरा जा चुका है। तो धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है गैंगस्टर बच्चा पासी, जिसकी रानी बहन रानी विजय हुई है। और बच्चा पासी की बहन रीना ने समाजवादी पार्टी की अनीता देवी को हराकर यह जीत दर्ज की है। 2500 से ज्यादा वोटों से रीना जीती। लखनऊ विश्वविद्यालय हॉस्टल में पथराव देखने को मिला है। दबंगों ने देर रात हॉस्टल में हमला किया। हॉस्टल के छात्रों में दहशत का माहौल बन गया है। पथराव का वीडियो भी सामने आया अब, जो कि लगातार वायरल होने लगा है। पथराव से हॉस्टल की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। आपको बता दें लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल में ये पथराव होने की तस्वीर है। किस तरीके से हॉस्टल के छात्रों में दहशत है, क्योंकि देर रात हॉस्टल में कुछ दबंगों ने हमला किया। हॉस्टल में पथराव देखने को मिला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिड़की और दरवाजे वहां के टूट गए हैं, क्योंकि दबंगों ने यहां पर देर रात हमला किया है पत्थरों से। खिड़की और देखिए कांच किस तरीके से टूट गया। और देखिए हमलावर जो थे, जो दबंग थे, वो नजर भी आ रहे हैं भागते हुए। हालांकि अब ये जो वीडियो है वो कैप्चर हो गया है, और इसी पूरे वीडियो के माध्यम से अब आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पौड़ी जिले की सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई को और तेज कर दिया है। यहां बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शहर में ही 227 ऐसी जगहों को प्रशासन ने चिन्हित किया, जिन्हें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन भी अवैध अतिक्रमण को सरकारी भूमि से हटा रही है। और अब तक सड़क किनारे और वन भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन हटा चुका है, जबकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जाने लगा है। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो है NH के हैं 89 और PWD के 52 और 86 है नगर पालिका के, 227 है। और ये कार्रवाई हमारी जो अतिक्रमण का है ये लगातार चलती रहेगी। और ये जो है यहाँ से पौड़ी मार्केट होते हुए श्रीनगर रोड तक पूरी अतिक्रमण में उसमें है चिन्हित किए गए हैं, पूरे से ही चिन्हित किए गए हैं, निशान लगा चुके हैं और जो है इसको हटाने का कार्य जारी है। सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं, उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके SDMs हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहाँ पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही PWD हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। खबर बुलंदशहर से है। खुर्जा में मारपीट का एक वीडियो सामने आया। वीडियो बताया जा रहा है कि युवती और उसके भाई से मारपीट का है। खुर्जा नगर कोतवाली के मुरारी नगर का ये पूरा मामला है। तो मारपीट का एक वीडियो सामने आया है बुलंदशहर के खुर्जा से, जिसमें एक युवती और उसके भाई के साथ मारपीट की जा रही है। साथ ही साथ खुर्जा नगर कोतवाली के मुरारी नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। युवती और उसके भाई से ये मारपीट की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर भीड़ जमा है, अफरा तफरी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खुर्जा नगर कोतवाली के मुरारी नगर की। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है और मारपीट की जा रही है। कई सारे लोग वहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में, और ऐसे में युवती और उसके भाई के साथ मारपीट की जा रही है। हालांकि वजह पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। खुर्जा का ये वीडियो है, मारपीट का ये वीडियो है। देखिए देखिए किस तरीके से युवती और उसके भाई पर हमला किया जा रहा है, लगातार मारपीट की जा रही है। अब देखिए किस तरीके से कुछ विवाद हुआ होगा, कोई कहां सुनी हुई होगी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि वहां पर मारपीट होना शुरू हो गई है। खुर्जा नगर कोतवाली के मुरारी नगर का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो मारपीट की जो है अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। नहीं,
देखिए लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं खुर्जा नगर कोतवाली से, जहां पर मुरारी नगर में युवती और उसके भाई के साथ मारपीट की जा रही है। हालांकि वजह अभी तक नहीं पता लग पाई है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से, बुरी तरीके से यहां पर युवती और उसके भाई को पीटा जा रहा है। और एकाध नहीं, काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, युवती और उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। बुलंदशहर के अंदर आता है ये खुर्जा, जहां पर ये मारपीट का वीडियो सामने आ रहा है। देखिए तस्वीरें लगातार, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, अफरा तफरी मची हुई है। देखिए भगदड़ तक का माहौल वहां पर हो गया। हमारे सहयोगी अनुपम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला, यहाँ पर ये मारपीट क्यों देखने को मिल रही है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है कि इसमें लोग मारपीट करते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो एक प्रत्याशी हैं वो जीते थे, और जबकि जो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो हार गए। तो उसके बाद जब ये अपने समर्थकों के साथ वापस आ रहे, तो तभी अचानक से ही उनने अपने परिवार के पूरे साथ लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया, और इसमें कि 5-6 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस, आपको देख सकते हैं कि पूरी वीडियो में एक साइलेंट बस्ता नजर आ रहा, लेकिन जो वहाँ पुलिस थी वो मुख्य दर्शक बनी खड़ी रही। तो एक बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ गुंडे बदमाश माफियाओं का एनकाउंटर बुलंदशहर पुलिस करती है, तो वहाँ अगर आखिर ऐसे कैसे फिर पुलिस के सामने ये तमाम मारपीट और पत्थरबाजी होती रही, और पुलिस ने किसी को रोकने का प्रयास नहीं करा, खुद ही पुलिस बस्ती वहां नजर आ रही है। तो फिलहाल पुलिस ने अब पीड़ित नवागत सभासद की तहरीर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और कार्रवाई करने की बात कर रही है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि पुलिस की वैन का सायरन वहां पर बज रहा है, लेकिन उसके बावजूद मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कार्रवाई इस पूरे मामले पर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। निकाय चुनाव परिणाम से नाखुश मायावती ने ट्वीट कर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, बसपा चुप बैठने वाली नहीं है, वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव फ्री फंड फेयर होता और ऐसे में नतीजे कुछ और आते, तो उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की है। तो ट्वीट करती हुई मायावती नजर आई, चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे कुछ और आते, ट्वीट में लिखा कि एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। तो नाखुश है मायावती, लगातार बोल रही हैं कि चुप नहीं बैठने वाली है बसपा, वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। विवेक, यहाँ पर मायावती बेहद नाखुश नजर आ रही है और बोलती हुई नजर आ रही है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और ऐसे में वो कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव फिर से होने चाहिए। बिल्कुल हर्षा, देखिए मायावती बैलेट पेपर की बात पहले भी उठाती रही हैं, लेकिन निकाय चुनाव, जो विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई थी, बसपा की सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो भी कैंडिडेट के अपने दम पर, उमा शंकर सिंह अपने दम पर जीते थे। कहा जा रहा है कि बसपा के जो कैडर वोट हैं, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो, उसका कोई फायदा नहीं मिला था। अब निकाय चुनाव में उम्मीद ये थी कि बसपा को मुस्लिम वोट मिलेगा, दलित वोट मिलेगा, लेकिन वो भी वोट बैंक उनके हाथ से खिसक गया। हालांकि मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिए थे मेयर के, पिछली बार मेरठ और अलीगढ़ दो सीटें बसपा के पास थी, इस बार उम्मीद थी कि वो सीटें कायम रहेंगी और एकाध सीटें और बढ़ेंगी। मुस्लिम कार्ड खेल रहा था उन्होंने, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा, जो सबसे चिंताजनक बात है बसपा के लिए, उनका कैडर वोट दलित भी बट गया, बहुत सारा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में गया, बहुत सारा वोट बैंक भाजपा के खाते में गया। समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी पीछे गई, लेकिन बसपा की राजनीति एकदम निकाय चुनाव में लगभग खत्म ही हो गई। इसीलिए मायावती बहुत निराश हैं इस चुनाव परिणाम से, जो उनको चुनाव परिणाम मिला है, जो मैंडेट दिया है जनता ने, उससे बहुत निराश हैं। और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने सारे हथकंडे अपना लिए, साम दाम दंड भेद अपनाए, और सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी को अपने चुनाव नतीजों के पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल किया। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि बसपा चुप नहीं बैठेगी। हालांकि ये चेतावनी बहुत पहले भी वो लगातार देती आई हैं कि बसपा चुप नहीं बैठेगी, बसपा लड़ेगी, बसपा संघर्ष करेगी, लेकिन बसपा संघर्ष करने और लड़ने के बजाय बसपा के जितने लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कभी फील्ड पे नहीं दिखे। निकाय चुनाव में कोई भी बसपा का बड़ा नेता गंभीरता से किसी ने चुनाव को लिया नहीं, मायावती खुद नहीं उतरी, जहां मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने 75 जनपदों में से 43 जनपदों में खुद सभाएं की, 50 से ज़्यादा सभाएं की, मायावती एक भी सभा रैली या जनसंपर्क के लिए नहीं निकली। जो बसपा के बड़े नेता हैं, जो चाणक्य माने जाते हैं, सतीश शर्मा, वो भी नहीं निकले। सतीश मिश्रा, वो भी फील्ड पर नहीं दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दिए। बसपा का कोई भी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो विधायक हैं उनके, वो भी विधायक अपने क्षेत्र में जरूर सक्रिय रहे, लेकिन और जहां पर बसपा चुनाव लड़ रही थी, वहां जहां मजबूत स्थिति थी, चाहे मेरठ हो या अलीगढ़ जहां पर पिछले दो बार के मेयर बसपा के ही थे, वहां भी कोई बड़ा नेता, किसी ने रैली नहीं की, किसी ने जनसभा नहीं की। तो चुनाव परिणाम जो है वो जनता का मैंडेट जो है वो इसी तरह से आना ही था। भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के दोनों किले मेरठ और अलीगढ़ दोनों इस बार भी फतेह कर लिए और एक संदेश दिया कि अब जो राजनीति है दलितों की और मुस्लिम की यूपी में, वो इस छोटे चुनाव में, यानी जो शहर की सरकार है, शहर की सरकार बननी थी, उसमें नहीं चलेगी। ये दलितों का कार्ड, ये मुस्लिम का कार्ड, ये कहीं भी नहीं चला बसपा और बुरी तरह से फेल साबित हुई है। अब बहुजन समाज पार्टी समीक्षा करने के उसमें है कि मोड में है कि अब क्या होगा, जब जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लगातार फेल हो गए, सीटें घट कर रही थी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। चेहरे हैं जिनके इलाके में भाजपा सफल नहीं हो पाई, आइए बताते हैं वो सभी नाम जिनके इलाके में भाजपा की हार हुई, इन मंत्रियों के जिले में हार हुई है, वो उनके बारे में आपको बताते हैं। अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास मंत्री हैं, मऊ नगर पालिका परिषद में बसपा जीती, तो ऐसे में बसपा के अर्शद जमाल ने भाजपा के अजय कुमार को हराया। धर्मपाल सिंह जो कि पशुधन मंत्री हैं, उनकी भी हार हुई है। और आपको बता दें कि रैली की आंवला नगर पालिका में भाजपा हारी। सपा के आबिद अली ने भाजपा के संजीव सक्सेना को हराया। वहीं दिनेश प्रताप सिंह उद्यान राज्य मंत्री रायबरेली नगर पालिका पर, यहां पर कांग्रेस की जीत हुई है, जिसके चलते दिनेश प्रताप सिंह हार गए। कांग्रेस के शत्रुघ्न लाल सोनकर यहां पर जीते हैं। मयंकेश्वर सरन सिंह चिकित्सा राज्य मंत्री अमेठी की जायस नगर पालिका हारी है भाजपा। तो ये वही सीटें हैं, ये वही नाम है जहां पर मंत्रियों की साख दांव पर थी, लेकिन वो हार गए। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री है, संबल की दो नगर पालिका में भाजपा हारी। और चलिए विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, कई ऐसी जगह थी जहां पर मंत्रियों की साख दांव पर थी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा वहां पर अपना परचम नहीं लहरा पाई। देखिए हर्षा, भाजपा ने बहुत चुन चुन कर टिकट दिए थे और जो दबाव था, जो रिश्तेदारों को टिकट देने का दबाव था, जो बड़े नेता हैं महापौर पे, 17 नगर निगम की सीट पर बहुत प्रेशर था कि जो महापौर पद के लिए टिकट मांगे जा रहे हैं उसमें तमाम विधायक मंत्री उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया जाए, ये प्रेशर था। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में एक नहीं सुनी और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो जीत सकते थे, उन्हीं लोगों पर दांव लगाया जो जीत सकते थे, सारे समीकरण को सेट करके। लेकिन नीचे, चाहे वो पंचायत हो या पालिका हो, परिषद हो, उस पर कई खास लोगों के टिकट स्वीकृत किए गए, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों की साख दांव पे लगी थी, प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी और वो सब धूल धूसरित हो गई कहा जाएगा, जिस तरह से वहाँ पर किसी जगह पर कहीं अगर निर्दलीय कोई जीत गया, कोई कांग्रेस से जीत गया, कोई बसपा से जीत गया, कोई सपा से जीत गया, तो सबकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। बड़े मंत्री, नगर विकास मंत्री, जिस कहा जाता है कि जो नगर निकाय चुनाव है उसके लिए नगर विकास मंत्री का नाम बहुत बड़ा होता है, वही एक तरह से पूरे कर्ता धर्ता होते हैं, पोषक होते हैं इस पूरे नगर निकाय के। लेकिन उनके क्षेत्र में मऊ में वहाँ पर पालिका सीट हार गई। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के हैं, जहाँ पर कांग्रेस का सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से दिनेश हार गए और वहाँ से दूसरा कैंडिडेट जीता, कांग्रेस का जीता। इसी तरह से जो कन्नौज सीट है वहाँ पर असीम अरुण बड़ा दांव लगाया था, वो भी अपनी सीटें नहीं जीता पाए। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, वो भी संभल में अपने जनपद में दो सीटें, प्रमुख सीटें हार गई। मयंकेश्वर शरण सिंह जो चिकित्सा राज्य मंत्री हैं, वो भी नहीं जीता पाए अपने क्षेत्र की सीटों को। बलदेव सिंह औलख, वो भी नहीं जीता पाए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इन्हीं की सिफारिश पर वो टिकट दिए गए थे, सारे लोगों को इन्हीं की सिफारिश पर रखा गया था कि इनको ये कहा गया था कि ये लोग जीत जाएंगे, मेहनत भी करी इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी हो, सारी अपनी मान प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, लेकिन ये सीटें नहीं जीता पाए। और भाजपा के लिए सबसे बड़ा समीक्षा का सवाल यही है, समीक्षा का दौर यही है कि अब इन सीटों पर अगर ये मंत्री अपनी ताकत लगा रहे थे, पूरा समय दे रहे थे, और ऐसे में अपने ही गढ़ में कई जगह कई लोग हार, क्या है कौन? बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी। मायावती ने
सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग नहीं की। कल सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ सवाल किए, वो भी आप देख लीजिए। ईवीएम और बैलेट पेपर का है भाई, बुरा है, पूरा है। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव। और कई मंत्रियों के गढ़ में हार हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी निकाय चुनाव की इस जीत में सबसे बड़े नायक बनकर सामने आए, क्योंकि ये सीएम योगी ही थे जिन्होंने निकाय के महायुद्ध को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 50 के करीब रैलियां की, विपक्ष बोला और सबसे बड़ी बात, भाजपा के लिए लक्ष्य सेट किया, और ये उसी लिए सेट किया लक्ष्य का नतीजा है कि भाजपा ने ना सिर्फ निगम में बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जीत का परचम लहरा दिया। निकाय का सियासी संग्राम, भाजपा की चक्रवर्ती उड़ान, हार पर सपा लाल, अखिलेश की रणनीति पर उठे सवाल। नगर निगम की 17, नगर पालिका की 199 और नगर पंचायत की 544 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। जहां भाजपा अपनी जीत से गदगद है, वहीं विपक्षी खेमे में टेंशन है, क्योंकि भाजपा ने निकाय की लड़ाई जीतकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तभी से भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि वो निगम की सभी 17 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन तब किसी को यकीन नहीं था कि जो दावा भाजपा कर रही है आंकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन सीएम योगी के धुआंधार प्रचार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विपक्ष के सभी नेता उसमें उलझ कर रह गए और भाजपा ने निगम के तीनों मोर्चों पर जीत का परचम लहरा दिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। निश्चित तौर से ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति हम लोग बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का कमल है, जो विकास का कमल है, जो सुरक्षा का कमल है, जो प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कमल है, उसको खिला करके यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का भविष्य। आप 13 मई को कह रहे थे कि 13 मई आया। 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, मैंने कहा था और वो हो गया, जनता ने उसको सिद्ध कर दिया। जनता का आभार, कार्यकर्ताओं का आभार, अभिनंदन। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने श्रीमती अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया और अपने हमारे कार्यकर्ताओं को अथक परिश्रम, उनकी अथक मेहनत और डिवोशन के साथ जो उन्होंने कार्य किया, उसी के आधार के ऊपर जनता ने बड़े पैमाने पर हमको पार्षदों का बहुमत दिया और साथ ही साथ अर्चना वर्मा जी को उम्मीद से बड़ी जीत दिलाई। अब निकाय में मिले जनादेश को हथियार बनाकर भाजपा 2024 की हुंकार भर रही है, जिसके लिए पार्टी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी फिर एक बार चुनावी अग्नि परीक्षा में फिसड्डी साबित हुई है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में सपा सिर्फ आरोप लगाती रही, कभी ईवीएम पर तो कभी प्रशासन पर सवाल उठाती रही। उसकी शिकायतों का सिलसिला नतीजों के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ईवीएम और बैलेट पेपर का है भाई, बुरा है, पूरा है। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से कोई सीख लेगी, क्योंकि सपा की हार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो पहले 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, फिर 2022 में हारी और अब निकाय की
बैक टू बैक लड़ाई भाजपा के हाथों हार चुकी है। सबसे बड़ी बात, जिन सीटों पर सपा पिछली बार मजबूती से लड़ी थी, वहां भी इस बार साइकिल की हवा निकल गई। अब सवाल ये है कि अगर निकाय चुनाव में सपा का ये हाल है तो वो एक साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या करेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीएम योगी और उनकी टीम थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी भी होंगे, अमित शाह भी होंगे। तब भाजपा से टक्कर लेना सपा के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सवाल अखिलेश की रणनीति का है, उस MY समीकरण का है जो इस बार बुरी तरह धराशायी हो गया। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।